मत पढ़ा और अंदर चल। फर्स्ट आएगी तो तुझे कॉलेज का स्कॉलरशिप मिलेगा। चल अभिष्टा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, सीढ़ियाँ। अब मेरी मंजिल दूर नहीं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह। मेरा नाम अभिष्टा है और मैं चंदा चंदा से एक विनती करने आई हूं। मैं चाहती हूं कि वो मेरी प्रार्थना पूरी कर दे। मैं अपने सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी दीदी उसको फाइनल ईयर के एग्जाम में हराना चाहती हूं।
मैं उसे खुद से पीछे करना चाहती हूँ और स्कॉलरशिप पाना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं फर्स्ट जाना चाहती हूँ। चंदा सुन रही हो ना, कल लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। सुना तुमने चंदा, मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। चंदा सुना तुमने, विधि नहीं, मैं फर्स्ट आऊंगी। चंदा कैसे आ सकती हूँ? क्योंकि फर्स्ट तो मुझे आना था विस्ता। विधि तुम? हाँ मैं फर्स्ट आई। सारे कॉलेज ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया लेकिन दिल को तसल्ली नहीं हुई। तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगी? कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसे नहीं, जरा मुस्कुराकर, दुश्मनों की तरह नहीं, दोस्तों की तरह गले मिलकर।
ऐसे। अरे तुम्हारे साथ पढ़ती हो, अगर फर्स्ट आ गई तो क्या हो गया? मैं कोई गैर तो नहीं हूं ना, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों विधि प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें मत करो। तुम जानती हो कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है मुझे खुद पर काबू नहीं रहता। हाँ जानती हूँ कि तुम्हें तुम पर काबू नहीं रहता, लेकिन अब तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? एग्जाम्स तो हो चुके और स्कॉलरशिप अब मेरा है, मेरा। वैसे बेचारी अभिष्टा ने बहुत कोशिश की, पर कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। एक बात याद रखना अभिष्टा, जब तक मैं इस कॉलेज में हूं ना, तुम हमेशा सेकेंड आओगी, क्योंकि फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ विधि का है। उसे कैसे समझाऊं? वो भी है, उसे सिर्फ इतना समझाओ कि वो विधि से जलना छोड़ दे, उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वैसे तुम फर्स्ट आई हो, पार्टी तो बनती है। फर्स्ट तो मुझे ही आना था, और पार्टी तो मैं तुम लोग को जरूर दूंगी, और इस पार्टी में हम लोग अभिष्टा को भी बुलाएंगे। वैसे भी ये पार्टी विधि के फर्स्ट आने की नहीं बल्कि अभिष्टा के हारने की होगी। ओके गाइस, तुम लोग यहीं रुको, मैं क्लासरूम से अपना बैग लेके आती हूँ। ओके ओके ग्रेट, मैं अभी आई। सो अब ये काम तुम्हारा है, अभिष्टा को किस तरह से समझाना। ओके अभिष्टा, अरे क्या हो गया, रो क्यों रही है? नहीं कुछ नहीं। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, 85% मिला है तुझे। निद्रोती तू नहीं समझ सकती, मैं कॉलेज में सेकंड आई हूँ, सेकंड तो सेकंड होता है ना, और स्कॉलरशिप उसको मिलता है जो कॉलेज में फर्स्ट आया है। अब मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं सेकंड। प्लीज यार मुझे अकेले रहना है। ऐसा नहीं हो सकता, उसने तो मुझे कहा था कि मेरी विश पूरी होगी, तुम इसे गिर कैसे आई? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये बर्दाश्त करूंगी। नमस्ते मम्मी। हाँ मम्मी, मैं इस बार भी फर्स्ट आई हूँ हमेशा की तरह, और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं। ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ फोन। ओके मैम। तुम्हें तो सबक सिखा कर ही रहूंगी। रिजल्ट आ गया क्या? हाँ दादा रिजल्ट आ गया। पहला नंबर किसका है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? Obviously, फर्स्ट तो मैं ही आती हूँ हमेशा। अरे मैम कांग्रेस, पार्टी तो मिलेगी ना? अरे पक्का दादा, लेकिन मैं अभी लेट हुई हूँ, मैं आपको पक्का पार्टी दूंगी। ठीक है बाय दादा। ओके मैम। ये तो मर गई, कोई सी आईडी तो बुलाओ।
नहीं, मैंने ये तो नहीं चाहता, मैंने ये तो नहीं चाहता। सर, शरीर पर कोई और घाव या चोट का निशान नहीं है। सर, ये यहाँ से कूदी है कि किसी ने उसे धक्का दिया? पंकज, फर्स्ट रैंक आने के बाद कोई अपनी जान क्यों लेगा? यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये कोई और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। सर, हाँ, कुछ पता चला? ये सुधीर है। जब विधि यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे बैग लेने आई थी, तब ये यहाँ पे साफ सफाई कर रहा था। ओ, सुधीर जी, आप प्लीज याद करके बताइए, जब विधि यहाँ आई थी तो उसके साथ कोई था? आई मीन उसके आसपास? जी नहीं साहब। सर, ये देखिए की चेन। आई सी, ये की चेन किसका है? पता नहीं साहब, लेकिन जब मैं कॉरिडोर की साफ सफाई कर रहा था, तब तो मुझे ये यहाँ पे नहीं दिखा था। इसका मतलब साफ है कि विधि के पीछे यहाँ कोई जरूर आया था। तुम विधि की अच्छी दोस्त हो, है ना? क्या तुम बता सकती हो क्या विधि कुछ डिस्टर्ब थी? मेरा मतलब है कुछ अजीब सा बर्ताव था उसका, कोई टेंशन में थी या फिर किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था? सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ, आज सुबह जब वो जिम से आई थी तो बहुत चिड़ी हुई थी। इस पर चिड़ी हुई थी? क्या हुआ था जिम में? सर, कुछ दिनों से शायद कोई उसका पीछा कर रहा था। पीछा कर रहा था? कौन कौन पीछा कर रहा था उसका? सर, इस बारे में तो उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हाँ, इसकी वजह से वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। कुछ दिनों से परेशान थी? कौन से जिम में जाती थी? सुप्रीमो जिम। सुप्रीमो जिम। सो सर, सेकंड फ्लोर पे ये किचन मिला है सर। सर? हाँ? ये किचन तो मेरा है। ये किचन तुम्हारा है? तो क्या तुम गई थी विधि के पीछे दूसरे मंजिल तक? नहीं नहीं सर, मेरा मतलब था ये किचन हमने खरीदा था और फ्रेंडशिप डे के दिन अभिष्टा को गिफ्ट किया था। अभिष्टा को? कौन है ये अभिष्टा? सर, अभिष्टा वो लड़की है जो सेकंड आई है, और उसकी और विधि की कभी नहीं बनती थी। इनफैक्ट वो विधि से बहुत चिढ़ती थी। हाँ, लेकिन इस वजह से वो विधि का कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, मगर वो फर्स्ट आने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ सर, मैंने भी देखा था, अभिष्टा जब यहाँ पे आई थी तो विधि की लाश को देख के हैरान नहीं थी, बल्कि उसे देख करके तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता हो। और हाँ, उसने ये भी कहा था, मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था,
और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी और फिर वो यहाँ से चली गई। अच्छा अभिष्ठा, अभिष्ठा अभिष्ठा कहाँ है? अभिष्ठा जी, आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं अभिष्ठा। सीआईडी? अभी अभी तुम्हारे साथ पढ़ने वाली एक लड़की विधि, उसका खून हो चुका है। उसी सिलसिले में तुमसे कुछ बातचीत करने आए हम। क्या? विधि का खून हुआ है? जी हाँ, आपको नहीं पता? मुझे लगा कि वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट नहीं था, वो खून था। मगर मैं आपके क्या मदद कर सकती हूँ? आप तो वहीं से आए, आपको तो सब पता चल ही गया होगा। हाँ, मगर अभिष्ठा तुम भी तो कॉलेज में थी जब विधि दूसरे मंजिल से नीचे गिर गई। जी, मगर वहाँ और भी तो स्टूडेंट्स थे ना। मेरा वहाँ होने से ये तो साबित नहीं होता ना कि विधि के खून से मेरा कोई लेना देना है। खून होने के बाद सारे स्टूडेंट्स वहीं पर थे सिवाय तुम्हारे। तुम कहाँ चले गए थे? वो विधि के मौत का सदमा में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मेरा सिर चकराने लगा, इसलिए मैं वहां से चली गई। विधि की मौत का सदमा? अभिषा, विधि की मौत का सदमा या विधि का फर्स्ट रैंक में आने का सदमा? जी, मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। अभिषा, कॉलेज के एग्जाम्स में तुम फर्स्ट आना चाहती थी ताकि कॉलेज की स्कॉलरशिप तुम्हें मिले, लेकिन विधि फर्स्ट आ गई और इसीलिए तुमने विधि को मार डाला ताकि स्कॉलरशिप तुम्हें मिल जाए। नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं है। ये सच है कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए थी, मगर इसके लिए मैं उसका खून नहीं करूंगी। मैं किसी का खून नहीं कर सकती। तो फिर आप हमें ये समझाइए कि आपका की चेन जो जूही ने आपको दिया था, वो हमें सेकेंड फ्लोर पे ठीक उसी स्थान पर कैसे मिल सकता है जहां से विधि नीचे गिरी, और वो कीचेन सीआईडी के पास है। ये जिम की एक मेंबर है विधि, उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। विधि? क्यों, क्या हुआ सर, क्या जानना है? और वैसे विधि तो आज आई नहीं है और अब वो कभी आएगी भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? किसी ने उसका खून कर दिया। क्या खून? किसने? उसी सिलसिले में तो हम यहाँ आए हैं। मतलब आप लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे उसको किसी ने मारा? नहीं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी पूछताछ करनी है। विधि के दोस्तों का कहना है कि यहाँ जिम में कोई लड़का उसे कुछ दिनों से परेशान कर रहा था। परेशान? जैसे कि उसका पीछा कर रहा था, उसे स्टॉक कर रहा था। कहीं आप आशीष के बारे में तो बात नहीं कर रहे? आशीष? हाँ सर, वही हो सकता है। विधि ने बताया था मुझे उसके बारे में।
वो उसका पीछा करता था, बहुत परेशान करता था वो उसे। कहाँ है आशीष, आज जिम में आया? जी हाँ सर, वो रहा ब्लू टी शर्ट में। क्या मैं उसे बुला दूँ? नो इट्स ओके, थैंक्स। आशीष। यस। हम लोग सीआईडी से। क्या हुआ सर, मैंने कुछ किया है क्या? विधि जानते हो ना उसे? ओ, तो विधि ने भेजा है आप लोगों को यहाँ पर कि मैं उसको परेशान कर रहा हूँ। सीआईडी ऐसे केस कब से सॉल्व करने लगे? जब से तुम जैसे लोग अपनी हद पार करने लगे। मतलब? विधि को क्यों मारा तुमने? क्या, विधि का खून हो गया? पर कैसे? देख, ज्यादा नाटक मत कर। नाटक? आपको क्या लगता है विधि का खून मैंने किया है? आज सुबह 9:30 बजे तू कहाँ था? सर मैं तो जिम में था। बड़ा लंबा वर्कआउट करता है तू, 4 घंटा? सर अगले वीक स्टेट चैंपियनशिप है, मैं उसी की तैयारी कर रहा था सर। इतनी तैयारी के बीच तुम्हें टाइम मिल जाता है किसी लड़की का पीछा करने का, उसे छेड़ने का? मैंने विधि को नहीं मारा, मैं उसे मार ही नहीं सकता सर। सर ये सच बोल रहे हैं, सुबह 9:30 बजे यही पे है। एक्चुअली सर विधि अचानक बदल गई थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी सर, और ये बात उसने मुझे किसी से कहने से मना किया था, और एक दिन अचानक उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। यही बात जानने के लिए मैं उसका पीछा करता था सर, और कुछ नहीं है सर, सच कह रहा हूँ मैं सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तो इस शहर से बाहर नहीं जाएगा, समझा? ठीक है सर। करण को इसके पीछे लगा दो 24 घंटे। मैं नहीं जानती कि ये वहां कैसे गिर गया। पर लगे थे इसकी चेन को जो तुम्हारे हाथ में से हो जाकर दूसरे मंजिल पर गई। रिजल्ट के बाद विधि अपना सामान लेने के लिए दूसरे मंजिल पर गई, तब तुमने उसका पीछा किया था और वहीं से उसे धक्का मार दिया। नहीं, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मैं मानती हूँ कि मैं दूसरी मंजिल गई थी, लेकिन उसे धक्का मारने के लिए नहीं, उसे ये कहने के लिए कि इतना घमंडी होना ठीक नहीं है। ओ, तो विधि की बातें तुम्हें बुरी लगी थी और इसीलिए तुम चेतावनी देने ऊपर गई थी, क्यों? तुम दोनों में बहस हुई और तुमने उसे धक्का मार दिया। नहीं, हमारी बात ही नहीं हो पाई। मैं विधि के पीछे क्लासरूम जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे मिलती, मुझे विधि की चीख सुनाई दी, और जब मैंने वहां जाकर देखा तो विधि जमीन पर गिरी हुई थी। शायद तभी ये किचन वहां गिर गया होगा। तुम्हारे कॉलेज के स्वीपर ने तुम्हें वहीं से भागते हुए देखा था जहां से विधि नीचे गिरी थी। अभिष्टा मैडम, ये मासूम बनने का नाटक छोड़ दो, समझी? विधि की लाश देखने के बाद आपके चेहरे पे जरा सभी दुख नहीं था, बल्कि आपने तो ये कहा कि मैंने ये नहीं चाहा था। ये दोनों बातें कुछ मेल नहीं खाती हैं, आप समझाने की कोशिश करेंगे प्लीज? क्योंकि विधि की मौत के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती थी। खुद को दोषी मान रही हो तुम विधि की मौत के लिए? क्यों, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। दरअसल सर, मैं कॉलेज में फर्स्ट आने के लिए मैंने एक खास जगह जाकर विश मांगी थी, और मुझे लगा कि उसी की वजह से विधि की जान चली गई। तो जरा हमें भी बताओ, ये कौन सी जगह है जहां पर तुम विश मांगने गई थी? ठाकुर बलदेव की पुरानी हवेली में, बलदेव भवन। ठाकुर बलदेव की पुरानी हवेली जिसमें उनकी पत्नी चंदा की आत्मा भटकती रहती है। चुप रहो, ये सब किससे कहानियों में होते, समझे? और तुम अभिष्टा इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, ऐसी बातों पर विश्वास करती हो? लेकिन सर,
मेरी विश तो पूरी हो गई ना। ठाकुर की पत्नी चंदा ने मेरी विश पूरी कर दी। हाँ, मैं फर्स्ट नहीं आई, लेकिन विधि की जान लेकर उसने मुझे कॉलेज में फर्स्ट कर दिया। वाह रे वाह, इच्छा पूर्ति करने वाली आत्मा, ठाकुर बलदेव की पत्नी चंदा की आत्मा। तो चलो हम भी चलकर मिलते हैं चंदा की आत्मा से। बता देगी ये आत्मा अभिष्टा कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। ठाकुर बलदेव की पुरानी हवेली, बलदेव भवन। सर 100 साल पुरानी बात है, ठाकुर बलदेव इस हवेली के आसपास के 5 गांव के मालिक थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने सबसे खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। हाँ सर, और उस खूबसूरत लड़की का नाम था चंदा। सर ठाकुर बलदेव दूसरी औरतों पर भी ताक जाक करते थे। इस बात का जब चंदा ने विरोध किया तो गुस्से में ठाकुर बलदेव ने चंदा को इसी हवेली में नजरबंद करवा दिया। अच्छा। इसी से दुखी होकर चंदा ने एक दिन अपनी जान ले ली। लोग ये भी कहते हैं कि चंदा की आत्मा अब इस हवेली में भटकती है। ये आत्मा तो कुछ नहीं होती, ये सब अफवाहें हैं। मगर हाँ, इस चंदा को आत्महत्या नहीं करना चाहिए था। हर लड़की को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अब असलियत क्या है ये तो सर वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। सर, हम वहाँ जाकर गलती तो नहीं कर रहे? इस ट्रांसफॉर्मर से पाइप उड़ना है। जी। अभिषा, तुम कल रात यहाँ पर आई थी? जी सर। और दुआ मांगने के लिए कहाँ गई थी तुम? वो हवेली के अंदर सीढ़ियों के ऊपर गई थी। देखो। तुम यहाँ पर आई थी कल रात को? अरे लकड़ियां ठोककर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है ये दरवाजा। पर कल रात को ये ऐसे बंद नहीं था। अभिष्टा, तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुम इसी दरवाजे के अंदर गई थी? हाँ सर, मैं कल रात को यही आई थी और इसी दरवाजे के अंदर गई थी। कल ये बंद नहीं था। एक रात के अंदर ये दरवाजा बंद कर दिया गया। देख के तो लगता है कि बहुत पहले से ही ये दरवाजा बंद कर दिया गया। कैसे हो सकता है? मैं कल रात को यहाँ आई थी और इसी दरवाजे के अंदर गई थी। मयूर, सर, जरा खोल दो ये दरवाजा, हटाओ ये सब लकड़ियाँ। यस सर। सर, ये देखिए सर, वहाँ ये काला कपड़ा मिला है। सर ये मेरा है। कल रात को इसी पट्टी को मैं अपने आंखों में बांधकर हवेली के अंदर गई थी। आंखों पे ये काला पट्टी बांध के अंदर क्यों गई? और बिना देखे तुम चल कैसे रही थी? सर वो कहा गया था कि अगर विश पूरी करनी है तो आंखों में पट्टी बांध के अंदर जाना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं, अब बता यहाँ क्या हुआ था कल रात को। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ,
आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यहाँ से बाएं मुड़ना है और फिर आगे चलने के बाद सीढ़ियाँ हैं। यहाँ आगे सीढ़ियाँ हैं? जी। तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह 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 सीढ़ी तुम रास्ता तो नहीं भटक गई? नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं सही जगह पर हूँ, मैं कोई रास्ता नहीं भटकी हूँ। यहाँ इसी जगह सीढ़ी थी और मैं सीढ़ियों के ऊपर गई थी। और सर, वहाँ पर बहुत बड़ा झूमर था, स्केलेटन का बना हुआ, और वो मेरे ऊपर गिरा। अच्छा, पर ये झूमर तो अभी सीलिंग पे लटका हुआ है। सर, लेकिन वो सीढ़ियों के ऊपर भी एक झूमर था, मेरे ऊपर गिरा, वो तो मैं पीछे हट गई वरना मैं मर जाती। और यहाँ पर ना ठाकुर बलदेव और उनकी पत्नी चंदा की पेंटिंग भी है। अभिषेक, वहाँ कोई पेंटिंग नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यहाँ सीढ़ी थी और मैं ऊपर गई थी और वहाँ मैंने विश मांगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज मुझे यकीन कीजिए। दया, एक रात के अंदर इस हवेली का दरवाजा बंद होता है, एक रात के अंदर इस हवेली के अंदर की सीढ़ी गायब हो जाती है। अभिष्टा, तुम्हारी कहानी अच्छी है पर उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।